प्रदेश सरकार द्वारा 50 माइक्रोन तक के पॉलीथीन पर प्रतिबंध लगाने के बाद गोरखपुर के विभिन्न व्यापारियों के संगठनों की बैठक महापौर सीताराम जायसवाल की अध्यक्षता में गोरखपुर क्लब के सभागार में संपन्न हुई। बैठक में नगर आयुक्त प्रेम प्रकाश सिंह, अपर नगर आयुक्त डीके सिन्हा, व्यापारी नेता मदन अग्रहली, रमेश गुप्ता, पवन टेकड़ीवार, सुरेंद्र सिंह मुन्ना, एस ए रहमान, योगेंद्र नाथ दुबे सहित अन्य संगठनों के पदाधिकारी मौजूद रहे। बैठक में पॉलीथीन पर पूर्ण रूपे प्रतिबंध लगाए जाने पर चर्चा की गई तथा व्यापारियों से अपील की गई कि सरकार के मंशा के अनुरूप स्वच्छ भारत मिशन पर अपनी सहमति जताते हुए पॉलीथीन का प्रयोग न करें। बैठक को संबोधित करते हुए नगर आयुक्त प्रेम प्रकाश सिंह और महापौर सीताराम जायसवाल ने कहा कि स्वच्छ पर्यावरण और प्रदूषण मुक्त प्रदेश बनाने के लिए 50 माइक्रोन तक के पॉलीथीन का बिक्री और प्रयोग बंद करें। जबकि गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए मैरिज हॉल एसोसिएशन के अध्यक्ष एस ए रहमान तथा प्लास्टिक एसोसिएशन के अध्यक्ष पवन टेकड़ीवाल ने सरकार के फैसले पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि पॉलीथीन बंद होने से जरूरी सामानों की बिक्री पर असर पड़ेगा और बेरोजगारी बढ़ेगी। सरकार पहले इसका विकल्प बनाने, उसके बाद पॉलीथीन को प्रतिबंधित करे। आदरणीय महापौर महोदय, वो चाहे कितने ही आधुनिक क्यों न हो जाए, वहां आप एक से एक अच्छी क्वालिटी की विदेशी मशीनें ले आइए, आईसीयू ले आइए, एक से एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर ले आइए, सब बेकार है तब तक जब तक कि हम स्वच्छता को नहीं अपना लेते। इन सारी समस्याओं का मूल आधार क्या है, मूल कारण क्या है, उसकी जड़ पे हमें वार करना पड़ेगा। अब वो है स्वच्छता। हम चाहे व्यक्तिगत जीवन में या सार्वजनिक जीवन में, जब तक स्वच्छता के महत्व को नहीं समझेंगे, हम समाज से जो विभिन्न प्रकार की रोग हैं जिनसे हम सभी प्रताड़ित होते हैं, जो न जाति देखता है, न धर्म देखता है, न अमीर देखता है, न गरीब देखता है, जिस इलाके में फैल जाता है वो उस महामारी के चपेट में सबको ले लेता है, तो चीजों में सुधार ला सके तो हम समाज के प्रति अपनी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी को निभा सकते हैं। उसी स्वच्छता को लाने के लिए, उसी स्वास्थ्य को लाने के लिए, लोग बीमार ना हो, स्वास्थ्य ना खराब हो, ये हमारे हाथ में जो प्लास्टिक को बैन करने के लिए स्पेशल अधिनियम है और जिसको एक तुरंत आवश्यकता समझते हुए, जबकि विधानसभा का सत्र नहीं चलता है, गवर्नर साहब ने इसको साइन करके तुरंत कानून का रूप दिया है, जिससे हम स्वतः समझ सकते हैं कि प्लास्टिक जो अस्वच्छता का एक बड़ा कारण बनता जा रहा है, उसको रोकने के लिए, दूर करने के लिए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं कि जो जिससे परहेज किया जाए, परहेज उसके प्रयोग के तरीके से है। प्लास्टिक को बाल्टी के रूप में इस्तेमाल करिए, कोई दिक्कत नहीं है, बड़े बड़े कोल्ड स्टोरेज में इस्तेमाल होता है, वहां कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जैसे ही ये पन्नी के रूप में 50 माइक्रोन से कम के पन्नी के रूप में आता है, हमारी अपनी सामान्य आदतों में ये पन्नी एक जहर बन जाता है। सब्जी वाले यहाँ पन्नी मिला, घर की महिला सब्जी ले गई, सब्जी उसने इस्तेमाल किया, जितना कूड़ा करकट बचा सब्जी को बांधा और बगल के नाले में फेंक दिया। मैं बिल्कुल सहमत हूँ कि ये पूरे कार्य करते समय उसके मन में बिल्कुल ये भावना नहीं रही होगी कि उसके इस कार्य से बगल के घर का बच्चा बीमार पड़ जाए, बगल की नाली चोक हो जाए कि जिससे कि पानी बगल के दुकान के अंदर घुस जाए, या वो गंदा पानी मोहल्ले में भर जाए, कहीं उनकी कोई ऐसी मंशा नहीं होती है, लेकिन फिर भी ये सारी चीजें हो जाती है। अगर हमने प्रदूषण से मुक्ति नहीं दिलाई, जैसा हमारे रहमान बाबू ने विशेष इस पर बात बताई है कि वो अणुविस्फोट से भी खतरनाक है। आज ऐसे ऐसे बम निकले हैं,
जो वायु को प्रदूषण करके पूरी दुनिया को खत्म कर सकते हैं। तो इस ये प्रदूषण कितने बड़ी बीमारी है समाज के लिए और दुनिया के लिए, जीवन के लिए, प्राणियों के लिए। अगर हम लोगों ने प्रदूषण पर नियंत्रण नहीं पाया तो पूरी प्रकृति ही अस्तित्व खत्म हो जाएगा। अभी कुछ दिन पहले मैं देख रहा था कि मैरिन ड्राइव के ऊपर समुद्र के अंदर जो कचरा इकट्ठा था, एक ज्वार भाटा में 12 टन कचरा समुद्र ने बाहर कर दिया। 12 टन कचरा समुद्र ने एक झटके में बाहर कर दिया। तो इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि समुद्र कितना प्रदूषित हो रहा। जैसा अरमान बाबू बता रहे थे कि समुद्र से हमें बड़ी मात्रा पर ऑक्सीजन मिलता है, सही है। जिस दिन समुद्र प्रदूषित हो जाएगा वो पूरे ही दुनिया को डूब लेगा, क्योंकि 3 हिस्सा जल है, 1 हिस्से में पृथ्वी है। तो 3 हिस्से का जल पृथ्वी पर आ जाएगा तो हमारा अस्तित्व नहीं रहेगा। आज सुनामी आ रही है, सुना होगा, 50 माइक्रोन से जो नीचे की प्लास्टिक है आप उनको फैक्ट्रियों को दीजिए और कहिए कि इसको रिसाइकलिंग करके हमें 50 माइक्रोन से ऊपर की प्लास्टिक उपलब्ध कराएं। इसका एक समाधान ये निकल सकता है, आप लोग ऐसा बात कर सकते हैं। हमारे घर आयुष बता रहे थे कि हम यूज एंड थ्रो का मतलब हुआ हमने इसमें पानी पिया और बाहर फेंक दिया, गिलास में पानी पिया फेंक दिया, कटोरी में खाया उसको सड़क पर फेंक दिया, चम्मच में खाया उसको फेंक दिया। एक चीज आई है यूज एंड थ्रो को हम बंद करेंगे, लेकिन उसमें मैंने मुख्यमंत्री जी से बात किया है। जैसा पवन जी ने हमें बताया था, इनकी बातें मैंने मुख्यमंत्री जी के सामने रखी है कि महाराज जी अंकल चिप्स है, मैगी है और तमाम सी चीजें हैं जो 5-10 ग्राम से कम के पैकिंग में आ रही है, इसके लिए आप क्या करेंगे। तो उन्होंने कहा है कि हम उस पर भी प्रतिबंध लगाने जा रहे हैं, वो भी प्रतिबंधित होगा कि 50 मिलीग्राम से कम, माइक्रोन से कम के क्लोथिंग में कोई चीज पैक नहीं होगा। ये आगे भी इसमें सुधार होने की गुंजाइश है। मैरिज हाउस वाले बिल्कुल प्लास्टिक का इस्तेमाल नहीं करते हैं। जो लोगों को हम लोग मैरिज हाउस बुक करते हैं उनको हम लोगों का ये कड़ा निर्देश भी रहता है कि वो प्लास्टिक का इस्तेमाल ना करें, लेकिन कभी कभार मान लीजिए वो इस्तेमाल कर भी लेते हैं तो सुबह सबसे पहले जो है वो आसामीज़ कुछ हैं जो आते हैं और सुबह प्लास्टिक के वो गिलास जो भी रहती है वो सबसे पहले उठा के ले जाते हैं और उसको वो मार्केट में बेच देते हैं, जो कहीं किसी नाली में या किसी कबाड़ में नहीं जाता है। वो अक्सर देखा जाता है कि मैरिज हाल में तो सफाई के लिए, अगर सफाई ना रहा तो कोई आएगा भी नहीं। जी हम लोग पूरी कोशिश करते हैं कि सभी लोग अपने की मैरिज हाउस में ज़्यादा से ज़्यादा सफाई रहे। SA रहमान जी, मैं मैरिज हाउस एसोसिएशन का अध्यक्ष हूँ। नगर आयुक्त साहब हैं, वो अधिकारी हैं, वो कुछ भी कह सकते हैं, परंतु सत्यता इसके एकदम विपरीत है। और नाले और जो चौक हुए हैं या सड़कों पर जो पानी जाम हुआ है उसमें केवल प्लास्टिक ही कारण नहीं है, प्लास्टिक तो बहुत मामूली सा एक उसमें रोल अदा करता है। मुख्य कारण तो ये है कि उनकी सफाई व्यवस्था इतनी नगण्य है कि वो 6 महीने में एक बार नाला साफ होता है, 3-3, 4-4 फीट हर नालों में सिल्ट जमा रहती है, तो वो नाले चौक होने ही होने हैं। और इसका ठीकड़ा प्लास्टिक व्यवसायियों पर फोड़ दिया गया है और उनके रोजी रोजगार से एक तरह से खिलवाड़ किया गया है, उनके रोजगार को बंद कराया गया है, कह के बंद कराया गया, एक तरह से हम आरोप लगा रहे हैं कि भाई आपने मुझे एक तरह से विक्टिम बनाया है अपने कार्यों को छिपाने के लिए कि साहब प्लास्टिक व्यवसाय ही जिम्मेदार है इस कार्य के लिए, जबकि इसकी स्थिति एकदम इसके विपरीत है। हम इसका खंडन करते हैं, प्लास्टिक की वजह से कोई नदी अगर प्लास्टिक की वजह से चौक होना होता तो उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा है, हर शहर में चौक होता, पानी हर जगह बरस रहा है, ऐसा नहीं खाली गोरखपुर में बरस रहा है। तो अगर यहाँ के कर्मचारी लापरवाही कर रहे हैं तो उसका दोषी प्लास्टिक व्यवसायी नहीं है। और आपके स्वच्छ भारत में जो ये कहते हैं इसका उलट हम बताते हैं आपको कि स्वच्छ भारत मिशन में नरेंद्र मोदी जी के जितना कार्य ये प्लास्टिक कर रहा है शायद ही कोई दूसरा व्यक्ति कर रहा होगा। किसी भी सिटी मॉल में, किसी भी स्टेशन पर, किसी भी होटल में, किसी भी कैटरिंग में, किसी भी प्रतिष्ठान में, कहीं किसी भी बड़े मॉल में अगर प्लास्टिक कैरी बैग या किसी भी
ऐसे फंक्शंस पे अगर प्लास्टिक के गार्बेज बैग ना रहे तो वहाँ से वहाँ का कूड़ा उठ पाना असंभव है। तो सरकार इस बात को ने कभी विचार ही नहीं किया कि वही 50 माइक्रोन की प्लास्टिक बैग है जो उनके कूड़ों को सुरक्षित तरीके से उठाकर गाड़ियों में रखाती है, वही प्लास्टिक बैग है जो जगह जगह लोगों को अवेयर कर रही है कि हमारे अंदर कूड़ा डालो ताकि वहाँ स्वच्छता रहे। तो यह स्वच्छ भारत मिशन में यह भागीदार है हमारी प्लास्टिक, न कि उसकी विरोधी। बारिश का समय है, बाढ़ आने वाला है, बाढ़ में जगह जगह लोग फंस जाते हैं, वहाँ इसी 50 माइक्रोन के पॉलिथीन कैरी बैग्स में उनके खाने पीने की सामान सामग्री रख करके वितरित किया जाता है। अगर ये न रहे तो शायद उनको समुचित सामग्री भी न पहुँच पाए क्योंकि वो पानी में रहते हैं और पानी में केवल प्लास्टिक ही ऐसी चीज़ है जो उसके संपर्क में बिना आए और वो सामान उनके तक पहुँच जाएगा, किसी भी अन्य चीज़ में रखेंगे वो भीग जाएगा। नगर निगम के पास कोई 50 माइक्रोन मशीन नहीं, मशीन केवल पॉल्यूशन डिपार्टमेंट के पास है, वो भी एक मशीन है जिससे पूरे शहर को के प्लास्टिक कैरी बैग्स को ना पाना असंभव बात है। इस तरह तो अगर जब छापेमारी करते किसी दुकान पे तो कहीं जुर्माना लगा सकते, उनकी मर्जी है, अगर वो चाहें भाई वो तो अधिकार मिला हुआ उनको, अब वो जब चाहें तब जिसको चाहें उसको पनिश कर सकते हैं, लेकिन ये गलत है। व्यापारी इसका विरोध करता है, आप बंद करें गलत चीज़ों को लेकिन सही तरीके से बंद करें, उसका एक समुचित उपाय करें कि भाई कोई गलत सही व्यापारी का उत्पीड़न ना हो। व्यापार मंडल केवल यही चाहता है कि सही व्यापारी का उत्पीड़न नहीं हो, गलत व्यापारी अगर वो कर रहा है अगर उसका पनिश कर रहे हैं तो हम उसमें आपका आपको बाधा नहीं पहुंचा रहे हैं, लेकिन सही व्यापारी उसे पीसा जा रहा है ये गलत है। पवन कुमार, टिबड़ेवाल।